अभद्रता मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला से बदसलूकी से जुड़ा यह पूरा मामला, आरोपी के 4 सहयोगी हिरासत में लिए गए। ये बड़ी खबर, आरोपी त्यागी के घर पुलिस पहुंची, श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेक्टर 93 नोएडा का ये पूरा मामला है। एक महिला के साथ सोसाइटी के अंदर बदसलूकी हुई थी, ये उस वक्त का वीडियो भी हम अब दिखा रहे हैं आपको। और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, आरोपी के 4 सहयोगी हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा आरोपी त्यागी के घर भी पुलिस पहुंची, गाड़ियों को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है 3 गाड़ी आरोपी की जब्त की गई है। देखिए क्रेन से उठाकर ले जाते हुए ये गाड़ी, आपको विजुअल जो मिला है वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अभद्रता हुई थी वहीं आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियो इसका बना लिया था। ये 2 तस्वीर आपके सामने, एक तरफ कार्रवाई और दूसरी तरफ अभद्रता जिस वक्त हुई थी वो तस्वीर भी आपके सामने। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, न सिर्फ आरोपी उसके 4 सहयोगी भी हिरासत में पुलिस की। इसके अलावा आगे जो गाड़ियां है वो भी जब्त कर ली गई हैं और आगे पुलिस की कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी खबर महिला अभद्रता मामले से जुड़ी हुई, जो अपडेट बड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि अब पुलिस की कार्रवाई दिखाई दी है और बहुत त्वरित कार्रवाई दिखाई दी है। महिला के साथ बदसलूकी की थी आरोपी त्यागी ने, ये आप देखिए उस वक्त जब झड़प हो रही थी, कहा सुनी चल रही थी, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। और वहीं दूसरी तरफ आप पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सबसे सटीक सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए एक बार फिर से देश ने न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया